हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम बात करेंगे आईसीएआर यूजी 2020 कट ऑफ के बारे में। काफ़ी लोगों का एक कमेंट था और ये कमेंट कई दिनों से है कि सर टॉप यूनिवर्सिटी पर एक वीडियो बनाइएगा कि टॉप यूनिवर्सिटी में कितने नंबर तक सिलेक्शन हुए हैं, किस किस कोर्सेस में। ठीक, और दूसरी बात यह है कि अभी आपका थर्ड अलॉटमेंट राउंड जो रिजल्ट है वो बाकी है, अभी वो 10 और 11 दिसंबर में आ जाएगा। ठीक है, आज जो डेट है वो 9 दिसंबर है। ठीक, 9 दिसंबर में ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें जो मैं कट ऑफ बताऊँगा वो फर्स्ट और सेकंड अलॉटमेंट को मिला करके है, यानी सेकंड अलॉटमेंट तक कहाँ तक एडमिशन पहुँचे हैं, किस किस कोर्स के लिए। ठीक, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो अभी ऐसे स्टूडेंट्स काफ़ी हैं जिन्होंने कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था आईसीआर में, ना तो फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड में, यानी स्टार्टिंग ही नहीं की थी उन्होंने। ठीक है, ना तो चॉइस फिलिंग की है। तो ऐसे लोग अभी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो भी सीट वैकेंट होगी, हालांकि ऐसे में सीट तो वैकेंट होती है लेकिन वो लोग इस बात कभी कोई कट ऑफ नहीं निकालते हैं कि हमारे पास इतनी सीट वैकेंट है। स्टेट में पूरा डाटा दे देते हैं पोर्टल पर कि हमारे पास इतनी सीट वैकेंट है, तो वो रिकाउंसलिंग में, इसके बाद ऑफलाइन काउंसलिंग में उसको भर देते हैं, लेकिन ऐसा आईसीआर में होता नहीं है। और अभी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट जो अपनी सीट को छोड़ेंगे, ठीक, वो नीट वाले हों, जेई वाले हों, उनको नहीं करना है, वो सीट को छोड़ेंगे, तो आपको मॉपअप राउंड में एक मौका मिल सकता है इन सीट में पार्टिसिपेट करने के लिए और सीट को प्राप्त करने के लिए। ठीक, तो जिनके नंबर इसके आसपास हैं वो घबराएं नहीं बिल्कुल भी, बस काउंसलिंग में लगे रहें जैसे अभी तक लगे आए हैं। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे सबसे पहले कौन कौन से ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिन पर एडमिशन हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो आपको पता है इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है NDRI, ये कई सालों से अपना एक स्थान पोजिशन लिए हुए है और इस बात की रैंकिंग में भी नंबर वन यूनिवर्सिटी ये है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे NDRI। अब NDRI के बारे में बात करें तो फर्स्ट अलॉटमेंट में एडमिशन हुआ था वो 325 नंबर तक एडमिशन हुआ था, यानी 325 नंबर तक एडमिशन हुए, 325 ऊपर जो स्टूडेंट थे। और पता है कि इसमें जो कोर्सेस होता है वो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी कोर्सेस है और वो मैथ वालों के लिए टॉप कोर्स होता है। हालांकि जो एग्रीकल्चर कोर्सेस के लिए यूनिवर्सिटी है वो आपकी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो इस बार सेकंड पोजीशन पर आ चुकी है, जिसने IARI को फेल करके अपना सेकंड पोजीशन पर जगह बना ली है। तो BSc एग्रीकल्चर के लिए हम लोग अभी बात करेंगे PAU के बारे में। तो NDRI में फर्स्ट अलॉटमेंट में 325 नंबर तक एडमिशन मिला है और यहीं पर अगर सेकेंड अलॉटमेंट की हम लोग बात करें तो सेकेंड अलॉटमेंट में 320 नंबर तक एडमिशन हुए हैं। तो 325 इसके नंबर थे। ठीक, और इसमें कौन लोग आते हैं, केवल मैथ ग्रुप के लोग, उनके एडमिशन NDRI में इस बार हुए हैं। अब ये नंबर देखा जाए पिछले साल तुलना बहुत कम है, क्योंकि पिछले बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा थी NDRI की। क्यों, पिछले बार पेपर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है काफ़ी ठीक ठाक था 2019 का, इस बार पेपर जो मैथ वाला वो टफ था 17 में और 22 में, तो इसलिए नंबर कम आए हैं। तो इसलिए चूंकि इसमें जो कोर्सेज जो है एलिजिबल वो केवल मैथ वालों के लिए है, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी कोर्सेस होता है और बायोलॉजी एग्रीकल्चर स्टूडेंट नहीं कर सकते, वो केवल कौन कर सकते हैं, मैथ वाले लोग, तो इसलिए मैथ वालों को यहाँ पर इस बार मौका मिल गया जिन लोगों के नंबर यहाँ पर अभी हैं। ठीक, अब सवाल ये भी आएगा किसी स्टूडेंट्स के इसके आसपास नंबर हैं, तो हो सकता है अभी इसमें ऐसे स्टूडेंट्स कुछ हों जो अपनी सीट को छोड़ेंगे, यहाँ पर विड्रॉ करेंगे और करना भी चाहिए। अगर आपको सीट नहीं लेना है, नीट जेई में जाना था, आप उधर ही जाइए, बेकार में सीट किसी को मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं उसका एक बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, एक लाइफ उसकी एक सिक्योर हो जाएगी। तो आप लोग जो सीट इसको ले रखे हैं और छोड़ना चाहते हो उसको छोड़ देंगे, ये मौका भी आपके पास में। ठीक है, तो ये हमारी कट ऑफ होगी NDRI लेकर के। अब सेकेंड पर हम लोग बात करेंगे PAU, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो लुधियाना में। ठीक, इसमें जो कट ऑफ जो गई थी फर्स्ट राउंड में वो 510 प्लस नंबर पर गई थी। ठीक, सेकेंड राउंड का इसके पर मेरे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं आया, किसी ने कमेंट नहीं किया कि सर मेरी मुझे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पर मिली है। तो फर्स्ट अलॉटमेंट में 510 प्लस नंबर, जैसे 515-520 नंबर तक यूनिवर्सिटी PAU मिली है। ठीक, और BSc एग्रीकल्चर के लिए इंडिया में सबसे टॉप यूनिवर्सिटी यही है BSc एग्रीकल्चर के लिए। हालांकि इसकी फीस सबसे हाईएस्ट है, इसकी फीस करीब 78,000 रुपये और प्लस कुछ है हॉस्टल विद हॉस्टल। ठीक है, 78,000 फीस, इतनी फीस इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी की नहीं है। ठीक है, तो सबसे महंगी यूनिवर्सिटी, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी BSc एग्रीकल्चर कोर्स के लिए, ये सेकंड पोजीशन हो गई। ठीक, थर्ड नंबर हम लोग बात करेंगे अच्छा एक यहाँ पर बात सवाल आता है BHU के लिए। ठीक है, BHU के लिए कई बार स्टूडेंट कमेंट करता है सर BHU में इस बार कहाँ तक एडमिशन पहुँचे हैं, तो आपको पता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ जब BHU में एडमिशन अगर आपको लेना है, BHU में जो ICR सीट है वो करीब 22 सीट है, तो 22 सीट एडमिशन के लिए कम से कम 500 के अंदर रैंक आपकी होनी चाहिए, तो आपको BHU में एडमिशन मिलता है। BHU में जो अलॉटमेंट हुआ है अभी तक, ठीक है, यहाँ पर 500 रैंक तक जो एडमिशन हुए हैं, बता रहा हूँ आपको, यहाँ एडमिशन हुए हैं 475 नंबर तक, 475 प्लस नंबर अगर आपके हैं
तो BHU में उसको एडमिशन मिला है, इसकी 475 नंबर, उसकी 500 रैंक है, ठीक। तो 500 रैंक के अंदर का अगर एडमिशन हुआ है तो 475 नंबर पर BHU में एडमिशन हुए हैं, ठीक। इसके हम लोग बात करते हैं फोन नंबर GB पंत के बारे में, ठीक है। GB पंत ये एकदम एग्जैक्ट नंबर है, अगर आप इसके आसपास कहीं पर नंबर है तो इसके समझ सकते हैं आप थर्ड अलॉटमेंट में या फिर आप जो है मोपअप राउंड में एडमिशन यहाँ पर पा सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर मैं रैंक बताना चाहूँ कि इतने रैंक से इतना तक एडमिशन हुए हैं तो ये कोई बात हुई नहीं है और इसमें ज़्यादा कोई एग्जैक्ट आइडिया तरीका नहीं लग पा रहा। मान लो मैं बोल लूँ कि अभी तक 6000 तक एडमिशन हुए हैं रैंक तक, तो 6000 में कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अलग अलग कैटेगरी होंगे, वहाँ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर नंबर आप देख रहे हो तो यहाँ पर एग्जैक्ट पता चल जाएगा आपको कि इतना नंबर तक हमारा एडमिशन यहाँ पर हो सकता है अभी, ठीक है। तो GB पंत में एडमिशन हुए हैं फर्स्ट अलॉटमेंट में, वो गया था 500 नंबर तक, आप देख लीजिएगा फर्स्ट अलॉटमेंट में, ठीक। सेकंड पर यहाँ पर एडमिशन, यानी जो सेकंड अलॉटमेंट एडमिशन हुए हैं जीवी पंत में, वो हुआ है 480 नंबर तक, 480 प्लस तक, यानी 480 प्लस नंबर से लेकर के 500 नंबर के बीच में एडमिशन जो हुए हैं वो जीवी पंत एडमिशन हुए हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट अलॉटमेंट में सेकंड अलॉटमेंट में कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो उसमें अलॉटमेंट ले लेते हैं, फीस जमा कर देते हैं, लेकिन वो लोग सीट को लेते नहीं हैं। कई बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं और वो सीट वो नहीं लेते, किसी काम भी नहीं आती है, ठीक है, ऐसी छोड़ देते हैं, ठीक। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि अगर आपको सीट नहीं लेनी, आप अपनी सीट छोड़ दीजिए, किसी काम आ जाएगी, किसी की लाइफ बन सकती है, ठीक है। तो सीट को ऐसे फीस जमा करके उसको छोड़ें नहीं, ठीक, या तो एडमिशन लें या तो उसको बिल्कुल विदड्रॉ कर लें, ये हटा दें हम लोग, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ और पॉइंट पर बात करेंगे यहाँ पर, कहाँ का एडमिशन तक पहुँचा है, ठीक। देखिए पहले अड़ोसी पड़ोसी बात कर लेते हैं, ये तुम्हारे यहाँ कोई, ठीक है। और जो यूपी में यूनिवर्सिटी एक है रानी लक्ष्मीबाई, ठीक, रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर एडमिशन जो हुआ है वो 480 नंबर तक, इतने नंबर तक फर्स्ट अलॉटमेंट एडमिशन हुआ था यहाँ पर, तो 400 करीब 70 प्लस नंबर तक एडमिशन फर्स्ट यहाँ से लेकर के एडमिशन तक हुए हैं BSc एग्रीकल्चर में, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ एडमिशन वो BSc एग्रीकल्चर के लिए है केवल, ठीक। आपको पता है कि BSc एग्रीकल्चर जो कट ऑफ होती है सबसे हाईएस्ट रहती है, सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाती है बीटेक एग्रीकल्चर जाती है, तो बीटेक एग्रीकल्चर सबसे लोएस्ट, BSc एग्रीकल्चर जो कट ऑफ जाती है सबसे हाईएस्ट जाती है, ठीक। ये जो मैं बता रहा हूँ वे किसकी बता रहा हूँ, केवल BSc एग्रीकल्चर के लिए, अलग अलग कट ऑफ है, ठीक है। एग्रीकल्चर का अलग कट ऑफ रहती है और कम्युनिटी साइंस की तो बहुत कम जाती है, बीटेक की बहुत कम जाती है, डेयरी साइंस की भी कम रहती है, तो कुल मिलाकर सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रहती है वो BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फिर आपका बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, फिर आपका जाता है लास्ट में सबसे फूड टेक, फिर लास्ट में आता है बीटेक, ठीक है। इस तरीके से कट ऑफ रहती है, तो यहाँ पर ये कंडीशन होगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे चौधरी चरण सिंह के बारे में, ठीक। CCSHAU ये भी टॉप यूनिवर्सिटी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बार ये हाँ इसमें एडमिशन हुए हैं वो 470 नंबर तक एडमिशन हुए हैं, 470 प्लस नंबर तक, ठीक है। और जो 470 नंबर पर जो रैंक है वो करीब 650 के आसपास रैंक है, तो 650 के आसपास रैंक वाले स्टूडेंट्स को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी प्राप्त हुई है फर्स्ट और सेकंड अलॉटमेंट में BSc एग्रीकल्चर में। हालांकि इसमें कम्युनिटी साइंस का जो कोर्स है उसमें करीब एडमिशन हुए हैं 335 नंबर तक, ठीक। देखिए इसके बाद हमारा ये हो गया, ठीक। अच्छा एक और हम लोग बात कर लेते हैं इसमें, अब आप पता है कि यहाँ पर टॉप यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एडमिशन पहुँच रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पर और है आपका जो पूसा बिहार में, कई बच्चे कमेंट करते हैं हमारे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूसा, तो इसमें जो एडमिशन हुए थे सबसे पहले फर्स्ट अलॉटमेंट में, ठीक है। तो इस पूसा में जो एडमिशन हुए हैं आपके फर्स्ट अलॉटमेंट में, अच्छा इसमें आपके फिशरीज में एडमिशन हुए हैं कुछ और कुछ आपके हॉर्टिकल्चर, इसमें एडमिशन जो है वो 425 नंबर तक एडमिशन हुए हैं पहले बार में फर्स्ट अलॉटमेंट में BSc एग्रीकल्चर में, ठीक। और यहाँ पर जो एडमिशन आपके पूसा में जो फिशरीज में एडमिशन हुए हैं वो करीब 365 नंबर पर, यहाँ जो फिशरीज में एडमिशन हुआ है वो 360 या 350 नंबर पर लगभग एडमिशन हुआ है, ठीक। तो कुल मिलाकर के हमारे BSc एग्रीकल्चर के वो यूनिवर्सिटी हो गई जो आसपास में है। अब जैसे मान लीजिएगा आपके JNKB भी, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है आपका MP में, ठीक, और आपका जो राजस्थान में माड़ा प्रताप, मतलब स्टेट में जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं,
स्टेट में जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसका जो एडमिशन हो रहे हैं वो 370 नंबर प्लस पर एडमिशन हो रहे हैं स्टेट में जो टॉप यूनिवर्सिटी उसके बारे में। जैसे मान लो मैं अपने यूपी की बात करूँ तो हमारी यूपी में जो इस बार जो रैंकिंग आई है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 70वीं रैंक है। इसके पहले उसकी रैंकिंग थी 15वीं रैंक थी, तो 15वीं रैंक जो एडमिशन हुआ वो 376 नंबर 375 नंबर पर उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी प्राप्त हुई है। इसके बाद एमपी की बात करें, JNKB भी हो या वो विजय राजे सिंधिया हो या फिर राजस्थान की वो आपकी महाराणा प्रताप हो या फिर वो छत्तीसगढ़ की रायपुर यूनिवर्सिटी हो या फिर वो आपकी बिहार की पूसा जैसी यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, तो उनमें जो स्टेट में जो टॉप यूनिवर्सिटी है उनमें एडमिशन लगभग 370 प्लस नंबर पर बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स मिला है सेकेंड अलॉटमेंट में, ठीक। तो ये हमारी कंडीशन हो गई है फर्स्ट सेकेंड अलॉटमेंट के बारे में। अब मैं आपको जानकारी एक ये दे रहा हूँ कि अदर अदर कोर्सेज में कहाँ कहाँ एडमिशन हुए हैं, ठीक है, कोर्सेज के बारे में। ये तो हमारी यूनिवर्सिटी हो गई, देखिए यह हमने लगभग वो यूनिवर्सिटी बात कर ली जो टॉप यूनिवर्सिटी है। अब ये पता चलेगा टॉप यूनिवर्सिटी में यहाँ तक एडमिशन हो रहे हैं तो इसके आसपास जो नंबर आपके होंगे स्टेट में वो अगर इतने के आसपास नंबर हैं तो एडमिशन आपका हो रहा है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ बात और बता दूँ भाई आपको, बात यहाँ पर ये, जैसे फर्स्ट अलॉटमेंट में जो एडमिशन हुए थे बीएससी एग्रीकल्चर में फर्स्ट अलॉटमेंट में वो 370 प्लस पर एडमिशन हुए थे बीएससी एग्रीकल्चर में, ठीक, फर्स्ट अलॉटमेंट है। ये किसी भी यूनिवर्सिटी में, टॉप यूनिवर्सिटी नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी में टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुए हैं जो 425 नंबर तक हुए हैं केवल, ठीक। तो 425 नंबर प्लस में एडमिशन हो रहे हैं, फर्स्ट अलॉटमेंट तक एडमिशन हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड तक बीएससी एग्रीकल्चर में 370 नंबर आपके हैं तो सेकेंड अलॉटमेंट में 370 से लेकर के 360 नंबर तक उसको बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स मिला है इतने नंबर तक, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर मतलब 370 से 360 नंबर तक बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स मिला है सेकेंड अलॉटमेंट में, ठीक है। ये हमारी सेकेंड अलॉटमेंट हो गई। अब थर्ड अगर बात करेंगे, थर्ड अलॉटमेंट जब भी आएगा 10-11 में तो हो सकता है यहाँ पर नंबर आपके 340 तक आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिलने की संभावना है, जहाँ तक मेरा आइडिया है वो, ठीक। तो 340 अगर आपके नंबर तक हैं तो मुझे लग रहा है कि बीएससी एग्रीकल्चर आपको किसी भी इसमें अपने स्टेट में या फिर दूसरे स्टेट में, मतलब जो यूनिवर्सिटी 15 के बाहर हैं यानी टॉप 15 के बाहर हैं उनकी में एडमिशन यहाँ तक आपको मिल सकता है, जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक। अब मैं आप बताऊं कि जो फर्स्ट पहली बार जो बीटेक एडमिशन हुए थे, ठीक है, वो 180 नंबर प्लस पर आपको बीटेक अच्छे यूनिवर्सिटी मिल गया। जैसे आपका बीटेक एग्रीकल्चर, जैसे मान लो आपको आनंद गुजरात में है, ठीक है, और आपका जो महाराष्ट्र में जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो वहाँ तो एडमिशन हुए हैं 180 नंबर पर हुए हैं। अब ये जो सेकेंड अलॉटमेंट पर एडमिशन हुए हैं वो 120 नंबर तक एडमिशन हुए हैं OBC जनरल के, ठीक। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बीटेक एग्रीकल्चर के। तो यहाँ पर आपका OBC कैंडिडेट या फिर जनरल कैंडिडेट इनको एडमिशन मिले हैं बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो बीएससी एग्रीकल्चर में जो एडमिशन सेकंड अलॉटमेंट हुए हैं वो 370 से 360 तक हुए हैं, ठीक। बीटेक एग्रीकल्चर में जो एडमिशन हुए हैं वो 120 से 180 तक। अब कल मेरे पास एक स्टूडेंट कमेंट कॉल किया था, वो ST कैटेगरी है तो उसको बीटेक एग्रीकल्चर मिला सेकेंड अलॉटमेंट में केवल 100 नंबर में, ठीक, केवल 100 नंबर में। तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी ICAR में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो मॉपअप राउंड का वेट करें, उनको अगर सीट यहाँ पर वैकेंट होगी तो उनको मिलने के चांसेस है, ठीक है, घबराने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे दो कोर्स हो गए और हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अभी, ठीक है। देखिए ये हमारा, ये देखिए, ऐसा मत ये सोचिएगा कि शायद मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, ये वो है नंबर जो एग्जैक्ट किसी स्टूडेंट से कमेंट किए हुए नंबर हैं, ठीक। ऐसे स्टूडेंट्स अभी भी हैं जिनको कोई यूनिवर्सिटी प्राप्त हुई है कितने नंबर पर, तो मुझे कमेंट जरूर करें ताकि 2021 में आने वाले स्टूडेंट को एक तरीका मिलेगा, एक टारगेट बनाया गया कि हमें इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए इतने नंबर प्राप्त करने की ज़रूरत है, ठीक। तो हम लोग अब बात करेंगे, यहाँ पर हमारा ये कोर्सेस हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं, पहले ये बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, बीटेक एग्रीकल्चर हो गया, हम लोग बात करते हैं हॉर्टिकल्चर बारे में, हॉर्टिकल्चर बारे में, ठीक है। चूंकि बी एग्रीकल्चर बाद जो कोर्सेज आता है वो हॉर्टिकल्चर ही आता है, तो हम लोग बात करते हैं हॉर्टिकल्चर बारे में। तो बीएससी हॉर्टिकल्चर का जो कोर्सेज है इसमें जो टॉप यूनिवर्सिटी के एडमिशन हुए थे, ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटी में, तो ये टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुए हैं 380 प्लस नंबर पर। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटी। अब जो अदर यूनिवर्सिटी में अगर बीटेक एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कोर्सेज मिला है सेकेंड अलॉटमेंट में, ये हमारी बात होगी फर्स्ट अलॉटमेंट में टॉप यूनिवर्सिटी में, ठीक। अगर हम लोग बात करें यहीं पर सेकेंड अलॉटमेंट में, तो करीब 340 नंबर तक उनको हॉर्टिकल्चर कोर्स मिला है सेकेंड अलॉटमेंट में, ठीक। जिनको मिला वो समझ जाएंगे, वो फर्स्ट अलॉटमेंट में यहाँ पर हॉर्टिकल्चर में
टॉप यूनिवर्सिटी में, और जो 340 नंबर तक है उनको सेकेंड अलॉटमेंट में हॉर्टिकल्चर में अदर मतलब टॉप यूनिवर्सिटी के बाहर जो एडमिशन जो यूनिवर्सिटी हैं उनको यहाँ पर कोर्सेज मिला है। ठीक, तो अभी और कट ऑफ इसकी जा सकती है हॉर्टिकल्चर कोर्स में, जैसे 320 नंबर तक ला सकते हैं, 310 नंबर तक भी आ सकता है अगर आईसीआर अपनी सीट को ओपन कर दे कि इतनी सीट मेरे पास वैकेंट है तो। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर बीएससी कम्युनिटी साइंस के बारे में। बीएससी कम्युनिटी साइंस, तो बीएससी कम्युनिटी जो साइंस का कोर्सेस है, ठीक है, यहाँ पर जो टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुए हैं कम्युनिटी साइंस में वो 335 नंबर तक एडमिशन हुआ है, 335 नंबर पर। ये हमारा फर्स्ट अलॉटमेंट में टॉप यूनिवर्सिटी का, जैसे ये जो एडमिशन हुआ है वो चौधरी चरण सिंह में एडमिशन हुआ है। ठीक है, 335 तक कहाँ तक हुए है, CCSHAU, ठीक, यहाँ तक एडमिशन हुआ है। तो हमारा हॉर्टिकल्चर हो गया, बीटेक एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, बीएससी कम्युनिटी साइंस हो गया, और फिशरीज कोर्सेज हो गया। ठीक, फिशरीज का जो कोर्सेस है मैं आपको जानकारी दे दूँ, जो फिशरीज का कोर्सेस मिला है आपको वो मिला है 330 के आसपास नंबर तक। ठीक, इसी के आसपास टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुए हैं अगर हम लोग बात करें बीएससी फिशरीज के बारे में। ठीक, बीएससी फिशरीज, तो करीब बीएससी फिशरीज में भी जो है टॉप यूनिवर्सिटी अगर बात करेंगे सबसे पहले जो एडमिशन हुए थे फिशरीज में वो 370 पर हुए थे टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन। ठीक, इसके बाद में जो अदर यूनिवर्सिटी हैं 370 से लेकर के जब ये कट ऑफ आई है तो करीब 330 नंबर तक एडमिशन हुए हैं सेकेंड अलॉटमेंट में बीएससी फिशरीज में। ठीक, तो ये कोर्स को लेकर के और ये जो टॉप यूनिवर्सिटी थी उनको लेकर के हमने ये वीडियो दिया आप लोगों को। ठीक है, ये एकदम एग्जैक्ट हमारा बिल्कुल है, अब कोई आइडिया नहीं है, कोई ये तुक्का नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, ये वो एडमिशन है जिन स्टूडेंट्स को इतने नंबर पर यूनिवर्सिटी प्राप्त हुई है। तो आप लोग धैर्य रखें, थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक है, और थर्ड अलॉटमेंट का वेट करें। हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे जरूर, लेकिन समय न मिलने के कारण मैं जल्दी वीडियो नहीं ला सका था। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम वीडियो यूट्यूब को छोड़ देंगे, ठीक, काफ़ी स्टूडेंट छोड़ दें, अगर उन्होंने यूट्यूब छोड़ दिया अब तो वीडियो बनाएंगे नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक, टाइम मिलेगा तो हम तुरंत वीडियो आपके लिए बनाएंगे। जब भी थर्ड अलॉटमेंट रिलेटेड आएगा तो आप लोग सभी लोग मुझे कमेंट करें कि वास्तव में थर्ड अलॉटमेंट पर इतनी कट ऑफ आई है, तो हम लोग फिर बात करेंगे थर्ड के बाद मॉप अप राउंड में। ठीक, थैंक यू, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा।